हाँ जी, गुड आफ्टरनून महेंद्रगढ़ से, प्रणाम विक्की। ओके जी, तो क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे? बताइए, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे क्या? दिल्ली सल्तनत, सात सौ बारह से लेके, सॉरी 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलेगी जी। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम, ओके जी, दिल्ली सल्तनत में हम तुगलक वंश पढ़ चुके थे, या तुगलक वंश पढ़ रहे थे? अच्छा, पढ़ना अभी बाकी था। फिरोज शाह तुगलक, क्या हमने कंप्लीट कर लिया था फिरोज शाह तुगलक को? बताएंगे एक बार, क्या फिरोज शाह तुगलक को हमने कंप्लीट कर लिया था? बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके जी, समझ गया मैं। देखिए जी, दिल्ली सल्तनत में हम तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे थे। फिरोज शाह तुगलक, जिसका कार्यकाल 1351 से लेके 1388 तक चलेगा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक चलेगा, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अंशुल जी, समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हो आप? टीम है यहां पर, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो आप? देखिए जी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक राज करेगा, जिसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के हम लोगों ने आर्थिक कार्य कल पढ़ लिए थे। आर्थिक कार्य, आय कर सिक्के। आय मतलब राष्ट्रीय आय, कर मतलब पांच, जकात खैरात जजिया खुम्स और हक्के सर्ब, सिक्के मतलब दो, अधा और भिक। एक बार आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक कार्य, आय कर सिक्के। आय कर सिक्के, आय मतलब राष्ट्रीय आय, कर मतलब पांच, जकात खैरात जजिया खुम्स और हक्के सर्ब, सिक्के मतलब दो, अधा व भिक। एक बार फटाफट आप लोग भी लिखेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये चीजें याद रहेंगी। कमेंट करके लिखिए फटाफट। अच्छा विक्की, ये रह गया, चलो ये फिर लास्ट में होगा अब। ठीक है, आय कर सिक्के, वेरी गुड। चलिए जी, ये हम कर चुके थे। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य देखिए जी, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों में अगर मैं बात करूं, आर्थिक तो हम कर चुके सारे के सारे, अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य। देखिए जी, प्रशासनिक कार्यों में नगर भवन विभाग व नहरें, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों में आएंगे नगर भवन विभाग नहरें। क्या क्या हैं? नगर भवन विभाग नहरें, नगर भवन विभाग नहरें। नगर, फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा
नगर बसाए। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा नगर बसाए, जिनमें पांच नगर प्रमुख हैं, पांच नगर प्रमुख हैं फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद व हिसार। 300 से ज्यादा नगर बसाए जिनमें पांच प्रमुख है, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार भवन। इसने बहुत सारे रोजगार कार्यालय खुलवाए थे, अस्पताल बनवाए व मैरिज ब्यूरो खुलवाए। मैरिज ब्यूरो इसने बनवाए। विभाग, इसके दो विभाग थे, दीवान एक खैरात, जो कि दान का विभाग था, और एक था दीवान ए बदगान, जो कि दास का विभाग था, गुलाम रखने का विभाग था। इसको गुलाम रखने का शौक था। इसके पास 180,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के पास 180,000 गुलाम थे, ठीक है। देखिए जी, नहरें, इसने नहरों का विकास करवाया, और हरियाणा में नहरें शुरू करवाई। हरियाणा में नहरें शुरू करवाई, ये है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर यूपी में है जी, सुनिए मेरी बात। फिरोजपुर पंजाब, फिरोजाबाद और जौनपुर यूपी, फतेहाबाद हिसार हरियाणा। इसको करें नोट एक बार आप लोग। बताएं कोई समस्या है तो। वेरी गुड विकी, बताओ भाई बाकी लोग भी।
ओके जी, चलिए आगे। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही काम है, अन्य कार्य। फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी, इसके समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिरी, तब पांचवी मंजिल बनवाई इसने। बिजली गिरने पर पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया, बिजली गिरने पर पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। इसके अलावा अन्य काम, इसने अशोक के दो स्तंभ लेख एक मेरठ और दूसरा टोपरा वाला, मेरठ वाला यूपी में, टोपरा वाला हरियाणा में। अशोक के दो स्तंभ लेखों को, मेरठ व टोपरा को, दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली लाया। अशोक के दो स्तंभ लेखों को दिल्ली को लाया था फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन कौन से को? मेरठ व टोपरा वाले को। फाइनली फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद आप तुगलक वंश का पतन समझ लें शुरू हो गया। इसके बाद कोई ढंग का शासक आया तो वो एक निसरुद्दीन महमूद तुगलक कई साल बाद आया। अब हम उसको पढ़ेंगे, बताएं, करें नोट। बताएं जी, डन। चलिए जी आगे। अब देखिए, इसके बाद अगर कोई ढंग का शासक बनता है तो वो है निसरुद्दीन महमूद तुगलक। निसरुद्दीन महमूद तुगलक, तेरह सौ चौरानवे में जाकर के गद्दी पे बैठता है, 1412 तक रहेगा। तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान होगा, तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान होगा निसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके समय में 1398 में तैमूर का हमला हुआ,
तैमूर का हमला हुआ 1398 में इसके समय में, तैमूर ने आक्रमण किया इसके समय में 1398 में। तैमूर ने दिल्ली के आसपास के एरिया में लूटपाट की, लूट मचाई, और तैमूर 1399 में वापस चला गया। मध्य एशिया से आया तैमूर वापस चला गया 1399 में, और भारत में छोड़ गया अपने सेनापति खिज्र खां को। खिज्र खां को लाहौर में छोड़ गया। खिज्र खां को लाहौर में छोड़ गया तैमूर। फाइनली जब निसरुद्दीन महमूद तुगलक की 1412 में डेथ होती है, तो इसकी मृत्यु के दो साल बाद कोई गद्दी पे बैठ ही नहीं पाया था, तो खिज्र खां ने ही सोचा मैं राज कर लेता हूं अब। तो तैमूर जो आया था उसका सेनापति अब यहां पर कब्जा कर लेगा और एक नया वंश शुरू कर देगा, सैयद वंश। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश को। बताइए जी, किसी को दिक्कत है तो? कीजिएगा जी। वेरी गुड आफ्टरनून, डन। चलिए जी आगे। इसके बाद जो खिज्र खां है वही सैयद वंश शुरू कर देगा, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश, सैयद वंश। अब सैयद वंश के जो लोग थे वो सिया मुसलमान थे, तो ये वंश नाम मात्र का होगा, इसमें कुछ होगा नहीं इतना। 1414 से लेके 1451 तक चलेगा ये वंश, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है और भारत के इतिहास का पहला सिया वंश, पहला सिया वंश, पहला सिया वंश होगा सैयद वंश, पहला सिया वंश। इस वंश में केवल चार शासक रहे हैं और चारों को हम देख लेते हैं यहां पर। पहला शासक इस वंश में रहा खिज्र खां, दूसरा शासक इस वंश में रहा मुबारक शाह, तीसरा शासक इस वंश में रहा मोहम्मद शाह, और चौथा शासक इस वंश में रहा आलम शाह। खिज्र खां 1414 से लेके 1421, मुबारक शाह 1421 से लेके 1434, मोहम्मद शाह 1434 से लेके 1444, और आलम शाह 1444 से लेके 1451। ठीक है, यहां पर ये चार शासक रहे हैं सैयद वंश के अंदर। सैयद वंश में चार शासक रहे। चारों की अगर मैं बात करूं
तो जो खिजर खां है इसको रैयत ए आला कहा जाता है, खिजर खां को रैयत ए आला कहा जाएगा, और ये सैयद वंश का संस्थापक है, पहला शिया शासक है। मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था, कोई खास बात नहीं है। मोहम्मद शाह, इसने लाहौर के राजा को खान ए खाना की उपाधि दी थी। उस समय लाहौर का राजा था बहलोल लोदी। तो जो मोहम्मद शाह है इसकी खास बात यह कि इसने लाहौर में बैठे हुए व्यक्ति को खान ए खाना की उपाधि दी। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? खान ए खाना की उपाधि दी किसको? बहलोल लोदी को। बताना आवाज, बहलोल लोदी को। संजू आपके पास नहीं आ रही? ओके ठीक है। देखिए जी, आलम शाह जो ये बहलोल लोदी है लाहौर का राजा, इसके समय में दिल्ली की तरफ आता है। तो आलम शाह बहलोल के डर से बदायूं भाग गया था। बहलोल लोदी के डर से बदायूं भाग गया था आलम शाह। आलम शाह को जब महसूस हुआ कि बहलोल लोदी आ रहा है दिल्ली की तरफ, ये भाग गया बदायूं में। और बहलोल लोदी जब दिल्ली में आया, उसने देखा राजा तो है ही नहीं दिल्ली में। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कहता है बहलोल लोदी को, आप संभालो दिल्ली जी, मैं बदायूं में ठीक हूं। और बड़े आराम से लोदी वंश शुरू हो गया और सैयद वंश समाप्त हो गया। ये था जी सैयद वंश, सिर्फ चार शासक और कुछ भी नहीं। बताएं जी। सिर्फ छोटा सा है सैयद वंश, एक बताएं जी। देवांश, विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो करवाया है हमने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पढ़ा होगा। अलग से की बात है तो फिर ये आपके बैच में अलग से लास्ट में करवाई जाएगी। बहुत सारी चीजें देखो, हिस्ट्री स्पेशल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से सोल्व करवा दिए जाएंगे लास्ट में। एक बार जो मेन सिलेबस है वो पूरा करेंगे हम। बताओ क्या डाउट है? सिया मुसलमान होते हैं नॉर्मल मुसलमान। सुन्नी होते हैं कट्टर। लिख लो इसको, मुबारक शाह के समय में लिखी हुई एक बुक है, तारीख ए मुबारक शाही, इसके समय की एक बुक है ये, तारीख ए मुबारक शाही। मतलब इसकी जानकारी हमें इस किताब से मिलती है, मुबारक शाही।
तारीख ए मुबारक शाही, यहां से मिलती है जानकारी। डन। उसके बाद शुरू होगा लोदी वंश। चलिए जी, अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश लोदी वंश। लोदी वंश चौदह सौ 1451 से लेके 1526 तक चलेगा जी। लोदी वंश 1451 से लेके 1526 तक, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश है, और वैसे अगर बात करें तो ये पहला अफगान वंश है। दिल्ली सल्तनत में ये पहला अफगान वंश है, अफगानियों ने पहली बार राज किया। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक है, जिसने 1451 से लेके 1488 तक राज किया था। बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी भारत के इतिहास का पहला अफगान शासक, पहला अफगान शासक है बहलोल लोदी। इसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे, अपने नाम से सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों का नाम बहलोल। बहलोल लोदी इतना उदार किस्म का व्यक्ति था कि जनता के बीच में बैठता था, जनता के साथ बैठता था, इतना उदार किस्म का व्यक्ति था बहलोल लोदी। बहलोल की 1489 में जाकर के मृत्यु होती है, लेकिन इसने गद्दी छोड़ दी थी 88 में ही। 88 में ही इसका छोटा बेटा गद्दी पर बैठ जाता है। नहीं जी, निशा जी, इनका कोई रोल था ही नहीं, बस नाम मात्र के रहे ये लोग। बताएं यहां तक। बताएं जी,
हाँ जी, इसी को दी गई थी खान ए खाना की उपाधि सैयद वंश के तीसरे शासक द्वारा। डन। अब देखिए जी, अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी, दूसरा शासक सिकंदर लोदी, सिकंदर खान लोदी 1488 से लेके 1517 तक सिकंदर लोदी ने राज किया था। सिकंदर लोदी फेमस है किस लिए? सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे कट्टर मुस्लिम है, एक कट्टर मुसलमान था। सिकंदर लोदी इतना कट्टर है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, महिलाओं का पीर पर जाना प्रतिबंध कर दिया, महिलाओं का पीर पर जाना प्रतिबंध कर दिया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के पास एक गुलरुखी नाम की कलम हुआ करती थी, गुलरुखी कलम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी कलम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी, इनकी कविताओं का शीर्षक भी गुलरुखी हुआ करता था। सिकंदर लोदी जमीन को मापने के लिए, भूमि मापन के लिए सिकंदरी ए गज शुरू करता है, यानी कि जो गज हम मापते हैं ना गज, ये सिकंदर लोदी के दिन है। सिकंदर लोदी ने बताया था जमीन को मापने की पद्धति, गज में मापेंगे जमीन को। इसके अलावा सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा की स्थापना की। और ये व्यक्ति ऐसा है जो सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था, ठीक है। कलम का नाम था गुलरुखी और गुलरुखी से ही कविताएं लिखता था, उन कविताओं का नाम था गुलरुखी, शीर्षक भी गुलरुखी होता था। 1517 में सिकंदर लोदी की डेथ हो जाती है और अगला शासक बनेगा इसका बेटा इब्राहिम लोदी। बता दें अगर आपको समस्या है फटाफट, सिकंदरी ए गज या गज ए सिकंदरी, बताइए जी। वेरी गुड, कीजिए अब नोट।
क्या पूछा? लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी जो है फारसी भाषा का एक ग्रंथ था जो सिकंदर लोदी के समय में लिखा गया था। फारसी भाषा का एक ग्रंथ। पंद्रह सौ सत्रह में डेथ हो जाती है, सत्रह में, ठीक है। एक गज किसके बराबर होता है देख लीजिएगा, वही वैल्यू होगी। चलिए आगे देखिए, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526 तक राज करेगा। इब्राहिम लोदी होगा दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। इब्राहिम लोदी के सामने चुनौती थी कि उसका कजन था दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब को संभाल रहा था, पंजाब को, और इधर मेवाड़ में आ चुका था राणा सांगा मेवाड़ में। इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे और ये अपने 1,00,000 सैनिकों के साथ किसी को भी आसानी से हरा सकता था, लेकिन इसको धमकी मिली राणा सांगा ने कहा मैं आगरा पे कब्जा कर लूंगा। इसने राणा सांगा के खिलाफ सेना भेजी, मेवाड़ पर अटैक किया इसने। इब्राहिम लोदी ने सोचा कि राणा सांगा से देख लिया जाए, एक बार बात की जाए। 1517 से 18 के बीच एक युद्ध हुआ था, खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध हुआ था 1517 से 18 के बीच। इस युद्ध में एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ लोदी। खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने बुरे तरीके से हराया था इब्राहिम लोदी को। हारने के बाद इब्राहिम लोदी ने कभी मेवाड़ का नाम नहीं लिया। तो खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी एक बार राणा सांगा से हार चुका था। राणा सांगा खातोली का युद्ध, खातोली जो है मेवाड़ में पड़ता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी आराम से दिल्ली पर राज करता है, आगरा पर राज करता है। तब राणा सांगा व दौलत खान लोदी, राणा सांगा व दौलत खान लोदी दोनों ने बाबर को भारत में बुला लिया, बाबर को बुलाया। बाबर था काबुल में, इन दोनों ने बाबर को बुलाया और बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध होगा। देखना होगा कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा पाएगा या नहीं, ठीक है। तो बाबर को ये दोनों बुलाते हैं, बाबर को कहते हैं कि भाई तुम आओ इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई करो। अब हमें देखना होगा कि बाबर आएगा और क्या करेगा। यहां पर आते ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और फिर अगला चैप्टर शुरू होगा। यहां तक बताएं, किसी को कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत अगर है तो।
दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी बाबर के आने के बाद। राणा सांगा का रियल नाम क्या था जी? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, इनको भी हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगले लेक्चर में शुरू होगा एक नया चैप्टर और नाम है मुगल एम्पायर, मुगल वंश। बता दो किसी को दिक्कत है तो। सब कुछ क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताएं। ओके विकी, कौन कौन है क्लास में एक बार बताएंगे? तो देखिए, आज हम लोगों ने लगभग दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया, कल बाबर आएगा दिल्ली सल्तनत को ढंग से खत्म कर देगा, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।